हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस GTA सीरीज के हर गेम में बहुत सारे मिशंस होते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही इजी होते हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन कुछ मिशंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंप्लीट करने में पूरी इटर्निटी लग जाती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इन मिशंस को गेम टेस्टर्स को कंप्लीट करने के लिए बोलोगे तो वो भी इन मिशंस को फर्स्ट टाइम में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं GTA सीरीज के 10 ऐसे हार्डेस्ट मिशंस के बारे में जिन्हें फर्स्ट टाइम में कंप्लीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में एक क्वेश्चन पॉपअप होगा जिसका आंसर जो मुझे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के आंसर हियर चैनल पे सबसे पहले देगा उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो गाइज अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो ताकि आप आगे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करो। गाइज नंबर 10 पे है GTA Vice City से डेथ रो मिशन। इस मिशन में हमें कैंट पॉल इन्फॉर्म करता है कि डियाज ने लैंस वैंस को हॉस्टेज बना लिया है जंकयार्ड में, जिसके बाद टॉमी ट्रेटर लैंस वैंस को रेस्क्यू करने जाता है। और अब स्टार्ट होता है इस मिशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि लैंस की हेल्थ जीरो ना हो। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोकेशन। आप होते हो पहली सिटी के क्लब में और अब आपको दूसरे सिटी के जंकयार्ड जाना होता है, जहां पे जाते जाते ऑलरेडी लैंस की हेल्थ आधी हो जाती है। जंकयार्ड में एंटर करते ही आपको मारने के लिए 100 AI एनिमीज तैनात होते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम में इन एनिमीज को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो भी आपको लेंस को सेव करने के लिए बहुत कम टाइम बचे होते हैं। और गाइस आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि GTA Vice City में चेक पॉइंट का फीचर नहीं था, इसलिए आप गेम में जितनी बार मरोगे उतने बार आपको मिशन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और गाइस इस मिशन की सबसे खराब बात तो ये है कि जैसे ही आप सभी लोगों को मारकर लेंस को रेस्क्यू करने जाओगे तो वो बिल्कुल अचानक से ठीक हो जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। गाइज नंबर 9 पे है GTA 5 से डिड समबडी से योगा मिशन। अब गाइज जो लोग GTA 5 को स्टोरी के लिए खेलते हैं वो कभी भी किसी मिशन को स्किप करना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये GTA 5 का एक ऐसा मिशन है जिसने लोगों को ये मिशन स्किप करने के लिए मजबूर कर दिया। इस मिशन में फेबियन जो कि एक योगा टीचर होता है वो माइकल और अमेंडा को योगा सिखाता है, जिसमें माइकल को वॉरियर योगा पोज कंप्लीट करना होता है, देन ट्रायंगल योगा पोज कंप्लीट करना होता है, और लास्ट में प्रेस टू द सन योगा पोज भी कंप्लीट करना पड़ता है। अब गाइज इस मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि इस मिशन में की कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिससे कि आप फर्स्ट पोज को ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और अगर आप किसी तरह सारे पोजेस को कंप्लीट भी कर लेते हो तो भी इस मिशन का एंड बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइंग होता है। गाइज नंबर 8 पे है GTA 4 से नो वे ऑन द सबवे मिशन। अब गाइज आप सभी को इसके नाम से तो पता चल ही गया होगा कि इस मिशन को कंप्लीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। इस मिशन में रे और फिल निको को बताते हैं कि जॉनी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है द लॉस्ट मोटरसाइकिल क्लब का, उसी ने पैसे चोरी किए हैं, जिसके बाद निको इन्हें चेज करते करते सबवे में चला जाता है, जो कि इस मिशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये सबवे इतना डार्क होता है कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता चलेगा और आप रॉन्ग वे में चले जाओगे। इसी के साथ साथ निको को जिन्हें चेज करना है उनकी बाइक्स अल्ट्रा सुपर फास्ट चलती हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सबवे अबैंडन्ड है तो ऐसा नहीं है। इस सबवे में आपको कॉन्स्टेंटली ट्रेन्स को डॉज करना पड़ता है। गाइज नंबर 7 पे है एस्प्रेसो टू गो मिशन GTA 3 से। गाइज ये मिशन बहुत ही सिंपल हो सकता था, लेकिन GTA 3 गेम में एक बहुत ही बड़ा फीचर मिसिंग है जिसकी वजह से ये मिशन GTA 3 गेम का हार्डेस्ट मिशन है। इस मिशन में आपको बस 9 कॉफी स्टॉल डिस्ट्रॉय करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैप में आपको ये 9 कॉफी स्टॉल दिखेंगे ही नहीं। आपको रैंडमली अलग अलग प्लेसेस पे ड्राइव करना होगा, जिसके बाद अगर आप गलती से सही लोकेशन पे आ गए हो तो आपको ये कॉफी स्टॉल मैप में विजिबल हो जाएगा, जिसके बाद आपको फिर से रैंडमली ड्राइव करना है और बाकी के 8 स्टॉल को भी डिस्ट्रॉय करना है। इसी के साथ साथ आपको इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट की टाइम लिमिट मिलती है। और गाइस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि GTA 3 गेम के अंदर फुल मैप का फीचर नहीं है और ना ही आप मिनी मैप को एक्सपेंड कर सकते हो। गाइज नंबर 6 पे है GTA San Andreas से लर्निंग टू फ्लाई मिशन। अब ये मिशन स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, लेकिन जैसे ही आप इसके मिड सेक्शन में जाओगे तब हमें बोला जाता है कि हमें इस प्लेन से पूरा एक लैप लगाना है, जो कि इस मिशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। पहली चीज तो हमें इस मिशन में ये प्लेन मिलता है जिसके कंट्रोल्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लूप। हमें इस अनस्टेबल प्लेन को लेकर इन सभी लूप के बीच से जाना पड़ता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए शायद आपको 100 ट्राइज लग जाएं। और हाँ, ये मिशन मैंडेटरी है। गाइज नंबर 5 पे है सप्लाई लाइंस GTA San Andreas से। इस मिशन में CJ को एक RC प्लेन दिया जाता है जिसमें गन लगा होता है। अब हमें इस प्लेन को कंट्रोल करके कई सारे कुरियर्स को डिस्ट्रॉय करना होता है इससे पहले कि वो डिलीवर हो जाए। लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, कुरियर डिस्ट्रॉय हो ना हो, लेकिन इस मिशन में आपका प्लेन जरूर डिस्ट्रॉय होगा। इस मिशन में हमें जो RC प्लेन दिया गया है इसके कंट्रोल फ्लाइट स्कूल वाले प्लेन से भी ज्यादा खराब है। इसी के साथ साथ आपको सैन फियरो जैसी सिटी में कुरियर डिस्ट्रॉय करना है, जहां का एरिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा नैरो है, और आपको प्लेन
ग्रेन चलाने के साथ साथ बुलेट भी शूट करना है और वो भी मूविंग टारगेट्स पे। और इतना भी काफी नहीं था तो इसके साथ साथ आपको फ्यूल का भी ध्यान रखना है। इस फ्यूल के खत्म होते ही आपका RC प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गाइज नंबर 4 पे है द ड्राइवर मिशन GTA वाइस सिटी से। इस मिशन को GTA सीरीज में सबसे रेसिस्ट मिशन माना जाता है और ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। इस मिशन में टॉमी, कैन और फिल डिस्कस कर रहे होते हैं हाइस्ट को लेकर, जिसमें टॉमी बताता है कि सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, अब बस उन्हें एक ड्राइवर चाहिए, जिसके लिए फिल सजेस्ट करता है हिलरी किंग को। अब यहाँ पे एंट्री होती है हिलरी की। हिलरी टॉमी को बोलता है कि अगर टॉमी उसे रेस में हरा देता है तो वो उनके लिए हाइस्ट में ड्राइवर बन जाएगा, जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं और अपने कार्स में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हिलरी की कार गेम के फास्टेस्ट कार्स में से एक है, लेकिन टॉमी के पास होती है सेंटिनल, जो कि सीधे रेस में भी हिलरी की कार सेबर टर्बो को नहीं हरा सकती। इसी के साथ साथ पुलिस भी सिर्फ टॉमी के पीछे पड़ती है, ना कि हिलरी के पीछे। तो गाइज यही रीजन है कि इस मिशन को सबसे रेसिस्ट मिशन माना जाता है GTA वाइस सिटी में। और अगर आपको इस मिशन को कम्प्लीट करना है तो उसका बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप हिलरी की कार को क्रैश करवा दो। You tell me. Oh hell, man. They got their nose and everything. Can't गाइज नंबर 3 पे है रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स मिशन GTA San Andreas से। अगर आपको याद नहीं आया तो ये वही मिशन है जिसमें मैं बिग स्मोक के साथ मिलकर वागोस गैंग के मेंबर्स को मारना होता है, जिसमें वागोस गैंग के मेंबर्स ट्रेन के ऊपर होते हैं। अब इस मिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें शूट नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ बिग स्मोक ही मार सकता है। अब आप इस मिशन में चाहे जितनी भी अच्छी ड्राइविंग कर लो, बिग स्मोक की बुलेट इन्हें लगती नहीं है और बिग स्मोक बुलेट्स भी ओकेजनली फायर करता है। और गाइज जब भी मिशन फेल्ड होता है तब बिग स्मोक अपना लेजेंडरी डायलॉग बोलता है, जिसकी वजह से ये मिशन बनता है GTA San Andreas का वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग मिशन। All we had to do was follow the damn train, CJ. गाइज नंबर 2 पे है डिल्डो डोडो मिशन GTA वाई सिटी से। इस मिशन में हमें पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरे सिटी में और वो भी गेम के सबसे यूजलेस एयरक्राफ्ट से। अब गाइज आप इमेजिन कर सकते हो कि जब GTA San Andreas के प्लेन के कंट्रोल्स इतने ज्यादा खराब हैं, तो GTA वाई सिटी के प्लेन कंट्रोल्स तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर होंगे। इस मिशन में जो सर्कुलर लूप होते हैं वो GTA San Andreas के फ्लाइट स्कूल वाले मिशन से भी ज्यादा छोटे हैं और इनके बीच से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ साथ आपको फ्यूल का भी ध्यान रखना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। और गाइज हमें फिर से ये नहीं भूलना चाहिए कि GTA वाई सिटी के अंदर चेक पॉइंट्स का फीचर नहीं था, तो अगर आप प्लेन को एक बार भी क्रैश करते हो तो आपको फिर से मिशन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर 1 पे है डेमोलिशन मैन GTA वाई सिटी से। इस मिशन में आपको एक RC हेलीकॉप्टर दिया जाता है, जिसे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आपको 4 बॉम्ब्स दिए जाते हैं, जिन्हें आपको बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स में डिप्लॉय करना है। तो अगर आपने फाइनली इस चीज को हैंडल करना सीख लिया है तो भी आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऊपर के फ्लोर्स में बॉम्ब डिप्लॉय करोगे तो वहां के बिल्डर्स आपके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। और हां गाइस, इस मिशन में भी आपको टाइम लिमिट मिलता है, जिसकी वजह से शायद आप इस मिशन को कभी भी कंप्लीट ना कर पाओ। तो गाइज ये थे GTA सीरीज के 10 हार्डेस्ट मिशंस, जिन्हें कंप्लीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।